चुके हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। मैं दयानंद महाविद्यालय परिवार की ओर से गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस के बैठकर में रंगारंग भव्य कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। रिसीविंग कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सब लेफ्टिनेंट महावीर प्रसाद और लेफ्टिनेंट दीप सिंह। पायलटिंग कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर महेश पाल, सीनियर अंडर ऑफिसर उदय, टू राज आरटी बैटरी सीनियर अंडर ऑफिसर पुष्पेंद्र सिंह राव। महाविद्यालय प्राचार्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहीदों को नमन करते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसी जैसा जीवन हमें जीना है ना कि के रूप में सीनियर अंडर ऑफिसर महेश पाल और सीनियर अंडर ऑफिसर उदय टूराज लेवल यूनिट एनसीसी के कैडेट, साथ में सीनियर अंडर ऑफिसर पुष्पेंद्र सिंह रावत, सीनियर अंडर ऑफिसर अजय माकड़, टूराज आरटी बैटरी एनसीसी की टुकड़ी का निरीक्षण करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, परेड कमांडर है सीनियर अंडर ऑफिसर पृथ्वीराज और अंडर ऑफिसर है गोविंद प्रजापत। कैडेट्स का जोश जुनून इस स्वतंत्रता दिवस पर, बहारों में देशभक्ति का रंग, उमंग और उल्लास के साथ कैडेट सलामी देते हुए अगली टुकड़ी टूराज नेवल की है, जिसमें सीनियर अंडर ऑफिसर लोकेश चौधरी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। अगली टुकड़ी 11 राज बटालियन एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर शिवम चौधरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ इसी भावना के साथ, कुछ इसी तमन्ना के साथ, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत के साथ एनसीसी कैडेट के कदम से कदम मिल रहे हैं। हमारी प्रथम वर्ष में नए भर्ती कैडेट्स की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट चेनाराम। महिला छात्रा विंग में हर्षिता उपाध्याय सीनियर अंडर ऑफिसर। इसी तरह अगली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्रीय सेवा योजना खुशी धाम। छात्रा विंग में दिव्या गुर्जर रेड रिबन क्लब से टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी के सिर पर भी तिरंगा, और हम ऐसे तिरंगे को हजारों बार सलाम करते हैं। कुछ नई खुशियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कैडेट हमारे प्राचार्य महोदय को, डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी को, कि आप मंच पे पधारें और 72वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सब आपके उद्बोधन सुनने के लिए ललियाई थे। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा रहेगा। कि अपना मुल्क, अपना देश आजाद होगा तो आजाद फिजा में सांस लेने का जो मजा है वो कहीं नहीं है।
अपनी जीवनियां और अपनी जिंदगानियां कुर्बान कर गए भारत माता के ऊपर, भारत माता को आजाद करने के लिए। और क्या जो सपना उन्होंने देखा था, सन करके देखें कि क्या वो सपना जो हमारे उन नेताओं ने, उन वीरों ने देखा था जो अपनी जिंदगियां कुर्बान कर गए, क्या हम उस सपने को साकार कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि 1947 के बाद 72 साल हो गए, हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। बहुत अच्छी कविता जो मुझे लगी, हो सकता है आपको भी पसंद आए, लेकिन शहीदों के लिए है, माँ पिता और बहन और प्रेमिका के बयान है उसके अंदर, क्या भावना रही होगी।